इंसान को इंसान की तरह जीने मिले, इसके लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार की रात 8 बजे इंदौरा बुद्ध विहार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर धम्म ज्योति रैली प्रारंभ हुई है। शहर के विविध परिसर से होते हुए यह संविधान चौक पहुँची। यहाँ भदंत ससाई के हाथों बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर अभिवादन किया गया। इस दौरान भदंत ससाई ने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया। रात के 12 बजते ही भव्य आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान भीम सैनिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके साथ ही भीम सैनिकों द्वारा 50 किलो का केक काट कर जश्न मनाया गया। मेरा नाम बाबू खान है और आज भारत देश के जो विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जो 132वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य पर राकेश भाव निकोसी की तरफ से 132 किलो का केक और 132 किलो का माला जो हम है ना संविधान चौक यहाँ से लेके जा रहे हैं, जरीपटका से लेकर क्षमता नगर से लेकर है ना संविधान चौक लेके जा रहे हैं। और एक जो उम्मीद इस देश में जो संविधान को जो लोग बोलते हैं कि खतरा है, तो उसके एक हम अपनी ताकत दिखाएंगे आपसे संविधान चौक जाके। और अहिरिया के सभी लोग राकेश भाव के साथ पूरे लोग हजारों लोग जुड़े हुए और पूरी रैली के साथ ताकत के साथ वहाँ पे जा रहे कि इस देश में संविधान जिंदा रहेगा। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा जिंदा रहेंगे इस देश में संविधान जिंदा रहेगा। आमिना राकेश निकोसी मित्र परिवार तर्फे आमिने हर वर्षी रैली काढतो। 18-20 वर्षापासून रैली सतत काढत आहोत। कोरोना कारण काल 2 वर्ष रैली काढली नाही। आजकाल संविधानाला धोका आहे असं वाटत आहे लोकांना, पण असं काही नाही राहत। संविधान कधी मिटणार नाही, आम्ही संविधानाच्या पाठीशा मागे आहोत। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट।